साढ़े साती। सरगम, पता है पापा क्या पूछोगे? फ्राइडे है, बन रहे पराठे आलू के। आलू के पराठे फ्राइडे को बनेंगे, ये तो साल भर की रसोई की लिस्ट में पहले से लिखा है। मैं तो ये कह रहा था कि पराठे के साथ साथ पुदीने की चटनी भी बनाना। ठीक है। कितने दिन हो गए चटनी खाए? ये लो, सरगम भाभी ने ये बनाया क्या नाश्ते में? अरे नहीं, कान में डालो। Oh my God, चटनी बन रही है क्या? अरे एकलव्य बेटा, तू बड़ी हाथ छोटी हाथ के बारे में आगे बताने वाला? दादू, चटनी बनने वाली है। चटनी? हाँ, ये लो कान में डाल लो। लगाओ। अरे कोई तौलिया देगा? अरे इस घर में क्या सारे मर्दों के लिए एक ही तौलिया है? अरे हमारा पर्सनल तौलिया ले जाते हैं अपने रूम में। ये लो। अरे क्या रुई से बदन पोंछूंगा? तौलिया चाहिए। अरे तौलिया छोड़ो, चटनी बन रही है। चटनी बन रही है, लो। तनेजा सरिया, लोहा जन्मों जन्मों का, सस्ता भी और अच्छा भी। चाचू चाचू, ये सरिया मुझे दे दो। तू क्या करेगा बे इसका? एक कान से डालूंगा, दूसरे कान से निकालूंगा। क्यों? मिक्सर की आवाज नहीं जाएगी। लोहा लोहे को काटता है। मिक्सर? पापा को बताते। पापा, मिक्सर खराब हो गया है। क्या? सरगम? हाँ पापा, मिक्सर खराब हो गया। पुराना भी तो हो गया था ना पापा, नया लेना पड़ेगा ना? हाँ छेदी, नया लेना ही पड़ेगा। बाबूजी, नया क्या फ्री में आएगा? लाओ, मैं देखता हूँ इसे। अरे युवा पीढ़ी का है, इसकी उम्र ही क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा 18-19 साल। ला, ला। सरगम के ये सारे साथी, सारे साथी, सारे साथी। एक लपे जाके देखना जल्दी। अरे जा जल्दी जा। एक कपड़ा दे। दूसरे कान का भी दे, एक से नहीं चलेगा। कितना तेल जम गया है यहां। क्या हुआ, क्या हुआ? मिक्सर खराब? पापा ने उसमें फिर से जान फूंक दी। एकदम पक्का हो गया ठीक। सरगम, अब ये तुम्हारे हवाले, बनाओ चटनी। चाचू, चटनी तो बन गई। ये
पिताजी हमसे कह दें कि आस्तिक शादी कर ले तो मैं ये मिक्सर फेंक दूंगा, तो एक बार को हम अपने ब्रह्मचर्य भी त्यागने को तैयार हो जाएंगे। कब तक कानों को पीड़ा देते रहेंगे? अरे बोलो ना, मुंह क्यों हिला रहे हो? कान में लगे ना वो बाहर निकालो। हमारे तो कान में लगती है, हमारे तो दिल में चुभती है इसकी आवाज। इस मिक्सर के वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। उस सीमा से रिश्ता इसी के वजह से जुड़ा था हमारा। हाँ, अरे भाई सीमा का रिश्ता आया है, उसे क्या बोलू, हाँ या ना? ना। क्या ना? हाँ पसंद है। अरे पिताजी ना, पिताजी ना बोला था हमने ना, लेकिन पिताजी को सुनाई नहीं दिया। शादी के बाद सीमा ने कभी नहीं सुनी हमारी। पता नहीं कौन से हीरे जड़े हैं इस मिक्सर में। मैं तो हमारी चॉकलेट पान एनिवर्सरी के दिन से पैसे जोड़ रही हूँ नए मिक्सर के। पर पापा ये वाला मिक्सर तो छोड़े। चॉकलेट पान एनिवर्सरी तुम भूल गए? अरे चॉकलेट पान एनिवर्सरी, 4 साल पहले 9 जुलाई को पहली बार तुमने मुझे चॉकलेट पान खिलाया था। अच्छा तुम्हें ये डेट भी याद है? छोटी छोटी बातें खुशियां बड़ी बड़ी। लेकिन ये मिक्सर कितनी एनिवर्सरियां मनाएगा इस घर में? सरगम की ये साढ़े साथी। मिक्सर कहाँ है? भाभी तो यही रखती है। मैंने इसे पहले ही अगवा कर लिया। गुरुजी, आप गुरुजी के कुत्ते बने हो क्या? चुप। भाभी, तुम तीनों यहाँ तक चटनी बना रहे हो? चलो, वहाँ पे हम और आशा भैया कब से पहरा दे रहे हैं। किसी भी वक्त पिताजी आ सकते हैं पानी पीने के लिए। और सरगम भी। अरे, पर भाभी तो खुद मिक्सर से परेशान है ना, उनको तो बता सकते हैं कि हम मिक्सर चोरी करके फेंकने जा रहे हैं। भाभी की फेवरेट देवर, वो पापा की फेवरेट है, तुरंत जाके बता देगी सब पापा को। ऐसे मामलों में कभी भी सरगम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत बार फंस चुका हूँ। बड़े प्यार से आएगी, पूछेगी बालों में हाथ फेरते हुए, बेबी बताओ ना क्या हुआ? बावलों में मैं के सब बोल देता हूँ, अच्छा के सब पापा के सामने पक देती है। चमची एक नंबर की, पापा की चमची। रात में कौवा कौन बना है? एक कौवा नहीं है, आशा भैया है। चलो बुला रहे। भैया उनका तो तय हो गया, हम लोग क्या बने? चोर। काव 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 अपू। क्या चल रहा है सब? कुछ वो भाभी हम लोग खाना खाने के बाद वॉक पे निकले थे कंबल ओढ़ के। अपार शक्ति, हर व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ आता है जब आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। नहीं भैया, इतिहास गवाह है, सियासी हुकूमतों के आगे घुटने टेक देने से देश आजाद नहीं होता। अब बचा ही क्या, जब सेनापति ने सब देख ही लिया है तो बात दुष्ट राजा तक पहुंच ही जाएगी और वो सबके गले काट देगा। सेनापति के पति की सुनो, हम सब सिर्फ खाने के बाद वॉक पे निकले और कुछ नहीं। एक सेकंड, क्या बातें चल रही है? हम सब मिलके पिताजी का मिक्सर फेंकने जा रहे थे। अच्छा तो ये मिशन चल रहा था आप लोगों का, मिक्सर फेंक रहे थे आप लोग? दूर जाके फेंकना मिक्सर, भैया परेशान हो गई उस मिक्सर से। देखा, मैंने बोला था सब बता देते हैं भाभी को। वैसे मिक्सर कहाँ फेंकने जा रहे हो? नहीं भाइयों नहीं, इस औरत के सामने अपने सारे पत्ते मत फेंकना, ये जाल बिछा रही है जिसमें हम सब बता के फंस जाएंगे और फिर जाके ये सब पापा को बता देगी। बोलो बेबी, चाल है ना तुम्हारी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जाके पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं तो खुद परेशान हूँ ना मिक्सर से, और जब तक पुराना जाएगा नहीं तब तक नया कैसे आएगा? बेफिक्र होके ना फेंक दो मिक्सर को। लेकिन पापा को शक नहीं होगा कि मिक्सर किसने गायब किया? वो ये पता लगाए बिना छोड़ेंगे नहीं
कि रसोड़े में कौन था। उसका भी इलाज है मेरे पास। सुबह पापा के उठने से पहले ना सारा सामान बिखेर देंगे तो ऐसा लगेगा कि प्रॉपर चोरी हुई है। विश्वास नहीं होता, पिताजी के खिलाफ हमारी इस साजिश में तुम इतने उत्साह से हमारा साथ दे रही हो। नहीं नहीं, एक्चुअली बुरा तो बहुत लग रहा है मुझे, पर उस मिक्सर की आवाज मैं बिल्कुल नहीं सुन पाऊंगी। अब भैया जाके फेंक दो मिक्सर प्लीज। जाओ फेंक दो, जाओ। चो, 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 चो। अरे मेरा कंबल कौन ले गया? उन्नू, तो पापा का कंबल ले आया। बाबा ये आपके लिए मिक्सर। ठीक करना है, इंजीनियर हूँ। अरे वाह क्या बात है, रख लो रख लो। इसमें खाना बनाओ और अपनी सेहत बनाओ, भैया ने भी ऐसे ही बनाई है ना। तो चल रही। सरगम की ये सारे साथी। अच्छा हुआ। हे भगवान, लगता है घर में चोरी हुई है। ओ यस यस, सामान बिखरा बिखरा पड़ा है। चुप, बिखरा बिखरा। चुप। पापा अभी बाहर आई नहीं है, नौटंकी आप लोगों ने पहले शुरू कर दिए। अरे उनको बाहर तो आने दो, उसके बाद डायलॉग बाजी शुरू करना ना, चोरी का माहौल जमा लेना उसके बाद। आशा भैया जैसा प्लान किया था शुरू करो। हाँ अलौकिक जोर से बोलो। जय माता दी। अबे जोर से चीख। अरे चोरी हो गई है ये बोल। ओके भैया भाभी पापा, चोरी हो गई। क्या हुआ? चोरी हो गई। पिताजी पिताजी हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। चोरी हो गई पापा घर पे। अरे तिजोरी बरकरार है, बटुआ सेफ है, मेरा कुछ नहीं गया, आप आपका देख लो। पापा मुझे लगता है ना किचन में ना कोई चोरी हो गई हो। चलो जाके चेक करते हैं। चलो। हे भगवान क्या हालत कर रखी है किचन की इन चोरों ने। लेकिन बेबी सारा सामान तो यहीं पे है, टोस्टर है, फ्रिज है, गैस है और मिक्सर। मिक्सर, पापा मिक्सर चोरी हो गया। नहीं है। रिलैक्स पापा रिलैक्स, इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। मिक्सर नहीं दिख रहा बाबूजी, मिक्सर नहीं दिख रहा। चीदी चोरी हो गया। ओ माय गॉड, मिक्सर चोरी, जिसकी हमने ही चोरी। हमने ही चोरी से कितनी सारी चटनियां खाई है ना उसकी, उसका स्वाद भी हमारे मुंह से नहीं गया। मेरा चला गया स्वाद। क्यों क्यों ब्रश किया मैंने क्यों? अरे संभालो खुद को, संभालो खुद को। ना जाने कितनी यादें थी उस मिक्सर के साथ पापा। अरे पिताजी आप कहां चले? मिक्सर ला रहे। अरे पिताजी वो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ना 10 बजे खुलता है, और अपना वो आरपी है ना वो भी वही काम करता है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और पापा लंच के बाद ही चलते ना, अच्छा वाला सिलेक्ट करके लाएंगे, वो जो जूसर वाला होता है। नया मिक्सर नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ एफआईआर करने, मुझे मेरा वही पुराना मिक्सर वापस चाहिए। मिक्सर के लिए कौन एफआईआर करता है?
मैं करूंगा। मेरी दुकान की पहली कमाई से लाया था वो मिक्सर मैं तुम्हारी माँ के लिए। एक लड़के के पैदा होने से भी पहले आया था वो इस घर में, मेरे बेटे जैसा था वो। देखा कितना इम्पोर्टेंट है वो मिक्सर हमारे लिए, मेरे बेटे जैसा था वो। करेक्ट, तुम्हारे बेटों की तरह ही खटारा था। भूल जा। नहीं, उस मिक्सर के बगैर ये घर घर नहीं। और क्या पिताजी? सरगम की ये सारे साथी। अच्छा तो यहां से चोर ने मिक्सर उड़ाया है? जी। देखने में कैसा था? सर वो चोर की शक्ल तो हम लोग देख ही नहीं पाए। अरे मैडम मिक्सर देखने में कैसा था? अच्छा अच्छा मिक्सर। आप अपर शक्ति सर। चाय। चाय पानी नहीं लेता हूं मैं। ये देखिए, ये उसकी पहली तस्वीर है जब मैं उसे घर ले आया था। एक लड़के के पैदा होने से भी पहले आया था वो इस घर में, मेरे बेटे जैसा था वो। और ये उसकी दूसरी तस्वीर है अभी अभी लॉकडाउन वाली। यादव के लिए ये नायाब केस है। हाँ तो यादव जी को बुला लीजिए। मैं कमलेश यादव अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा ये जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक शहर से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या शिफ्ट हो रहे थे क्या? अरे चुप कर। मतलब आप हम सब पे शक कर रहे हैं? तो क्या सिर्फ तुम पे शक करूं? 80% केसेस में क्राइम के पीछे सिर्फ नजदीक वालों का हाथ होता है। थैंक यू सर। ये इतने नजदीक नहीं है, इनकी पापा से नहीं बनती। यू आर सेफ। और हम भी नहीं हो सकते सर, हम तो ब्रह्मचारी हैं, सत्यवादी, सहज, भोले और निष्कपट। हवलदार? नहीं आस्तिक। हवलदार से बात कर रहा हूं जी। हवलदार टाइगर को बुलाओ। टाइगर कौन है? सरगम की ये सारे साथी। ये टाइगर है। थोड़ा छोटा दिखता है। नहीं अरे पिताजी ये क्या ढूंढेगा मिक्सर? अरे इसके साइज में मत जाना, ये उछल के लटक के ऐसे काटता है कि उसे छुड़ाने के लिए 2 बंदे और 2 घंटे लगते हैं। तो आप जिसके केनाइन बाइट के लिए वायरस को खत्म करने के लिए लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी वाली सील तो लगवाई होगी ना? अरे क्या बोल रहे हो? रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना, लगवाया इंजेक्शन। टाइगर ढूंढो इनमें से चोर कौन है। तुम टाइगर गलत वाइफ पकड़ रहा है, शैतान को छोड़ के मुझ जैसे साधु को पकड़ रहा है। गुरुजी, अपू सरगम तुम बंटी और बबली? नहीं 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 हम। आशा? अरे तू चेदी जी नहीं। मैंने कहा था ना गुनहगार अक्सर घर से ही निकलते हैं। आभी? चुप। ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर साहब? ये तो मुझ पर भौंक रहा है। मैं खुद अपना मिक्सर चुराऊंगा क्या? नहीं नहीं छेदी जी, मुझे लगता है कि आज टाइगर थोड़ा कंफ्यूज है। बट यू डोंट वरी, मैं मिक्सर और मिक्सर के चोर दोनों को ढूंढ निकालूंगा।
हवलदार चलो। बोलो पांडे, गुड न्यूज सर। गली के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसका फुटेज मिलते ही हम चोर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि घर से बाहर मिक्सर लेकर कौन गया था। वो दुकानदार शहर से बाहर गया हुआ है, जैसे ही वो आएगा मुझे वो फुटेज मिल जाएगी और उसके बाद मैं आपको गुड न्यूज देता हूं। थैंक यू, मिलता हूं सर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।